खबर शामिल करते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से। नवीद वेलफेयर फाउंडेशन कोटली तैराकी यूनिट टीम ने दरियाए पुंछ दोमेल के मुकाम पर डूबने वाले नौजवान की लाश 2 घंटे के अंदर निकाल ली। अब्बास नामी नौजवान दोमेल के मुकाम पर डूब गया था। बरवक्त इतला पर NWF कोटली की तैराकी यूनिट टीम ने अनथक मेहनत के बाद नौजवान की मैयत निकाल ली। नौजवान अब्बास का तल्लक दोमेल से बताया जाता है। नौजवान की लाश को DHQ हॉस्पिटल कोटली के सदहाने मुंतकिल कर दिया गया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। इस मौका पर नवीद वेलफेयर फाउंडेशन कोटली की तैराकी यूनिट टीम इकबाल जंजुआ, इमरान जंजुआ, इकराम जंजुआ, शबीर चौधरी, वासिक बेग, इशवाक जंजुआ, आरिफ लोन, आसिफ अली कादरी, जावेद भट व दीगर ने इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लिया। उनकी नमाज जनाजा आज रात 8:30 बजे मरकजी जनाजा का ईदगाह में अदा की गई। दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और लवाइकीन को यह अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।